इसी संघर्ष के कारण चार्ल्स प्रथम ने 11 साल तक संसद की बैठक नहीं बुलाई, पर सन 1640 में एक पड़ोसी देश के विरुद्ध युद्ध होने से राजा का खजाना खाली हो गया था। युद्ध के लिए नए कर लगाने थे, जिसके लिए उसे संसद को बुलाना पड़ा, लेकिन संसद ने राजा और उसके मंत्रियों की तानाशाही पर नियंत्रण करने का फैसला किया और मंत्रियों तथा अधिकारियों को दंड सुना दिया। इसके साथ ही राजा के समर्थकों और संसद के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जो 5 वर्षों तक चला। इस गृह युद्ध में ओलिवर क्रॉमवेल ने संसद का नेतृत्व किया और राजा के खिलाफ लोगों की एक सेना तैयार की। सन 1649 में चार्ल्स पराजित हुआ और उसे संसद द्वारा मृत्युदंड दिया गया। चार्ल्स की मृत्यु के बाद इंग्लैंड में गणतंत्र स्थापित किया गया, जिसमें राजा के लिए कोई स्थान नहीं था। यह गणतंत्र केवल 11 वर्षों तक चला, क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल खुद एक तानाशाह के रूप में काम करने लगा था। क्रॉमवेल के मरने के बाद संसद ने चार्ल्स प्रथम के बेटे चार्ल्स द्वितीय को राजा बनने के लिए आमंत्रित किया। चार्ल्स द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय ने फिर से निरंकुश शासन प्रणाली की ओर लौटने का प्रयास किया। संसद ने एक बार फिर राजा की बढ़ती तानाशाही को रोकने के लिए कोशिश शुरू की। सन 1688-89 में संसद ने जेम्स द्वितीय की बेटी मेरी द्वितीय और उसके पति विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड की गद्दी संभालने के लिए न्योता दिया। साथ में संसद ने शासन व्यवस्था के बारे में कई शर्तें रखीं, जिसे मैरी ने मान लिया, जैसे कानून बनाना या रद्द करना संसद की सम्मति से ही हो, बिना संसद की सम्मति के कोई नया कर न लगे, न ही सेना का विस्तार हो, संसद सदस्यों के चुनाव में राजा हस्तक्षेप न करे तथा संसद में कहीं किसी बात के लिए किसी भी सदस्य को सजा न दी जाए, संसद की बैठकें नियमित रूप से हों। संसद की ऐसी शर्तों को मानकर मेरी द्वितीय इंग्लैंड की रानी बनी और विलियम राजा बना। यह सब बदलाव बिना लड़ाई झगड़े और खून बहाए हुआ, इसलिए इस बदलाव को ग्लोरियस या ब्लडलेस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति कहा गया। निरंकुश राज की जगह जो नई व्यवस्था बनी, उसे संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। इस व्यवस्था में प्रजा को कई अधिकार दिए गए, जैसे अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही गिरफ्तारी होना व सजा मिलना आदि। संवैधानिक राजतंत्र में किसी न किसी प्रकार से लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक सभा होती है, जो राजा के कामकाज की समीक्षा करती है और अन्य तरीकों से उसकी मनमानी पर रोक लगाती है। इसे हम लोकतंत्र की स्थापना की ओर एक चरण या पुरानी व नई व्यवस्थाओं के बीच एक समझौता मान सकते हैं। इंग्लैंड में लोकतंत्र के प्रयासों के 2 महत्वपूर्ण पहलू थे। पहला, राजाओं के अधिकारों पर नियंत्रण और उनकी निरंकुशता की जगह चुने गए प्रतिनिधियों का शासन लाना। दूसरा पक्ष था चुनाव की प्रक्रिया में सब लोगों की भागीदारी। 18वीं सदी में धीरे धीरे संसद के प्रति जिम्मेदार मंत्रिमंडल की व्यवस्था बनी। 19वीं सदी के अंत में वोट देने का अधिकार मजदूरों को भी मिलने लगा। आगे चलकर 20वीं सदी में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। इस तरह यह लोकतांत्रिक बदलाव पूरा होने में 250 वर्षों से भी अधिक समय लगा।